तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी सारा. आई डोंट नो सर, आई एम सो सॉरी, कहाँ पे टॉपिक जा रहा है. हेलो सर, इम्तियाज सर, सारा जी, हेलो जी जी. इनकी पिछली ट्रेलर लॉन्च पे भी कुछ ऐसा ही पूछा गया था. ये क्या है कार्तिक, व्हाट्स गोइंग ऑन, इज दिस लव आजकल? सारा, यू नो इट ऑल, कम ऑन, सो डोंट कम ऑन. शी नोज इट, शी इज अ गुड एक्टर. थैंक्स, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, दैट्स द फर्स्ट टाइम ही सेड दैट टू मी. देखिए वहां पे कितने सार्थक फैंस हैं जो बाहर सब हैं, तो वो किसी रीजन की वजह से होंगे. एंड आई एम श्योर ये कल नहीं, लव आज है. No, listen, I must say that, you know, whenever I hear this Sarthik Sarthik thing, I just have to say ki aap sahi bol rahe ho. Mujhe nahi lagta ki kisi film ko dekhne se pehle kisi bhi jodi ko itna pyar mila hai. So I am genuinely, more than anything, just grateful to the audiences for giving us so much love and accepting us as a pair even before seeing us on screen. And I can only hope ki jab aap hum logon ko screen par dekhoge तो आप लोगों को सार्थिक से और भी ज्यादा प्यार हो जाएगा, और वीर और जोई से प्यार हो जाएगा, बिकॉज दैट इज रियली व्हाट इट्स अबाउट. सारा जी एंड कार्तिक, इम्तियाज सर, हाय सारा जी, इम्तियाज सर, दिस इज केयूल फ्रॉम सिनेस्टान.com. जी सवाल है, आप लोग क्या करने वाले हैं? आवाज कल देखने वाले. कार्तिक जी, ये देखना है लव आजकल, वैलेंटाइन्स डे के दिन और क्या करना है? कार्तिक जी आप हाँ क्या करने वाले हैं इस बार? नहीं आएंगे, इनसे क्या पूछ रहे हो ऐसे? अच्छा नहीं आओगे साथ में? और नहीं तो क्या, हम दोनों डेट पे जाएंगे. हमारी पिक्चर है हाँ. कि और किसके साथ चले जाओगे? हद है यार. नहीं 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 नहीं, हम दोनों मूवी देखने जाएंगे उस रात को. और ये देखिए आपको रिएक्शन मिल गया. हम दोनों लव आजकल देखेंगे उस रात को. इट्स अ डेट नाइट, 14th फेब या 13th फेब, दोनों रात को हम सेम मूवी देखेंगे. एंड इम्तियाज जी, इम्तियाज जी एंड दिनेश जी, आप लोगों से सवाल ये है कि आजकल हम देखते हैं बहुत ही जल्द दोस्ती होती है, बहुत जल्द लव हो जाता है, बहुत ही जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाता है. सो इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? आशा करते हैं कि आपकी जिंदगी में भी ऐसे ही कुछ हो. मगर जो आप पूछना चाह रहे हैं उसका जवाब ये है कि परिभाषा बदलती रहती है. मुझे लगता है कि द रिलेशनशिप एज इट हैपन्स नाउ इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ इट यूज़ टू हैपन इन द पास्ट. एंड मतलब प्यार की परिभाषा बदलती रहती है यार वक्त के साथ साथ, और उसी वजह से लव आजकल जो है ना वो बार बार ख्याल में आती है कि आज की लव आजकल क्या हो सकती है, कि कल की क्या हो सकती है, दैट काइंड ऑफ थिंग. सो हाँ, चीज़ें बहुत फास्ट मूविंग हो गई हैं, मगर जो जिस वजह से एक लड़का और एक लड़की साथ आते हैं वो कारण नहीं बदला है. तो आप हिम्मत मत हारिए. इम्तियाज सर, बिल्कुल सर, इम्तियाज सर, मैं भी आपके लिए सेम विश करता हूँ सर. इम्तियाज सर, हाय, यहाँ आपके सामने, हाय, दिस इज केयूल फ्रॉम सिनेस्टान.com. सर, मेरे आपके लिए दो सवाल है. आपने थोड़ी देर पहले कहा कि एवरी लव आजकल फिल्म विल बी मॉन्यूमेंटल, तो क्या इसका ये मतलब है कि आगे भी आप इसी सीरीज में फिल्म्स बनाएंगे? वेल, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कहानी है ना, ये एक बहुत फ्रेंचाइजेबल आइडिया है. आप ऐसा भी सोच सकते हो कि एक ही टाइटल की दो बार फिल्में मैंने बनाई है, इस वजह से बनाई है कि 10 साल बाद मुझे लगा कि जिस बेसिस पे मैंने पहली फिल्म बनाई थी वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, नया हो चुका है, और एक नई बात उसी बात में कहने का मौका मुझे मिल रहा है. उसके बाद मुझे लगा, और दिनू और मैं बहुत बात कर रहे थे उस समय, कि इस चीज़ को आगे शायद बढ़ाया जा सकता है. अगर कुछ साल बाद लगे कि आज और कल जिस तरह से जो रिलेशनशिप का प्रोसेस होता है वो बिल्कुल बदल चुका है, कुछ नई बात आ चुकी है जिसमें एक नई कहानी है, तो वो हम शायद कहने की कोशिश करेंगे फिर से. तो ऐसा हो सकता है कि आगे फिर से बनाएं. ओके सर, इस फिल्म में आप एक नई एक्ट्रेस को लॉन्च कर रहे हैं, आदुषी शर्मा, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे, कैसे उनकी कास्टिंग हुई और कौन सा आपने उनका काम देखा इसके पहले? आरुषि के साथ मैंने बहुत पहले, मैं उसको बहुत सालों से जानता हूँ,
एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब एक दफ़ा वो खुद सामने आ जाए ना, तब उनकी उपस्थिति में ये सवाल का जवाब मैं अगर दूंगा तो ज़्यादा मुनासिब होगा. बट मुझे अच्छा लगा कि आपने इस बात को नोट किया और उम्मीद है कि वो आपको और सबको, सारी जनता को बहुत पसंद आएंगी. योर सेंटर राहुल फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. मेरा सवाल कार्तिक और सारा दोनों से, पहले सारा से पूछ लेता हूँ. सारा, सबसे पहले आपने केदारनाथ से अपना डेब्यू किया, उस वक्त काफ़ी चर्चे थी कि सैफ अली खान की बेटी डेब्यू कर रही है, बट सिम्बा के बाद अपने ऊपर से आपने ये टैग हटवा लिया है, आप इंडिपेंडेंट ब्रांड बन चुकी हैं, तो कितना मुश्किल था खुद को इतना बड़ा ब्रांड बनाना आपके लिए? सर ऑनेस्टली मैं अभी भी सैफ अली खान की बच्ची हूँ और वो नहीं बदला. और ये टैग ऐसा टैग है दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ, तो अगर वो रहे भी तो ठीक है, लोगों को मेरा काम अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है. और उम्मीद है कि मुझे मौके दिए जाएंगे जहाँ मैं ये साबित कर पाऊँ और कर सकूँ, और उतना ही है. कार्तिक, आपसे ये सवाल था. हाँ. एक टाइम था जब रणवीर सिंह ने के इवेंट में आपको सारा अली खान से दोस्ती करवाई थी हैंडशेक करवा के. हाँ. और एक आज टाइम है जब आप दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई कि फिल्म तक आ गई और फिल्म में भी दिख रही है बॉन्डिंग, तो कितना क्रेडिट आप रणवीर सिंह को देते हैं? एक बार और बोलो, एक बार और अच्छे से बोलो, एक बार और बोलो, फिल्म में बॉन्डिंग दिख रही है. फिल्म में बॉन्डिंग आप दोनों की बहुत अच्छी दिख रही है, तो कितना क्रेडिट आप रणवीर सिंह को देते हैं? आप कितना क्रेडिट रणवीर सिंह को देते हैं, क्योंकि उन्होंने ही दोस्ती करवाई थी. कितना क्रेडिट रणवीर सिंह को देते हैं? अच्छा, किस चीज का? दोस्ती जो करवाई थी रणवीर सिंह ने आपकी. हमारी बॉन्डिंग का? हाँ, बहुत अच्छा बॉन्ड है. बहुत रणवीर सिंह को कितना क्रेडिट देते हैं, क्योंकि उन्होंने दोस्ती करवाई थी आपके? बहुत अच्छे से दोस्ती करवाई थी इनफैक्ट. और रणवीर जैसे जिस तरीके से हैं, बहुत खुले खुले से हैं, और जिस तरीके से उन्होंने हम दोनों को वहाँ पे मिलवाया था, हम लोगों के बहुत मीम्स बने थे साथ में. And I really, really am glad that Ranveer ne hum dono ki jodi banayi, hum dono ko milwaya, and then hum log yahan pe aa gaye, aap dekh rahe hain yahan pe. To I think sir, main isme, main hamesha atak jata hu sir aise sawalon mein, kyunki mere ko pata nahi kahan tak jaun main. Nahi, aap aisa samajh lijiye ki jo kuch bhi hai na sab Ranveer ki wajah. Ha, jo kuch bhi hai sab. Ha, सर को बुरा लग गया कहीं ना कहीं. मैं यही बोलने वाली थी कि इम्तियाज सर, मैं बोल रहा था रणवीर का क्या है, लव स्टोरी तो मैंने बनाई है, वो क्या रहा यहां? हाय सारा. हाय हाय सारा, योर सेंटर. हाय हाय सारा, इन योर फर्स्ट फिल्म यू हैव रोमांस विद सुशांत सिंह, सेकंड वाज रणवीर, देन इट इज कार्तिक. हु इज द नेक्स्ट एक्टर यू आर गोइंग टू रोमांस इन योर नेक्स्ट फिल्म? वरुण. I mean, that's already been announced. Sorry, in the middle of shooting. Varun is also like on the list. So who's next? लव आज की बात कर लेते हैं. आई एम नाउ रोमांसिंग कार्तिक इन लव आजकल, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स, एंड दैट्स व्हाट वी आर हियर टू टॉक अबाउट. हाय सारा. हाय हाय. फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, काफ़ी काफ़ी खास ट्रेलर नज़र आ रहा है, और आप दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी खास नज़र आ रहा है. सारा, अगर देखा जाए तो हमेशा हमने देखा है, पेपराजी की बात हो या ऑडियंस की बात हो, आपके साथ ही अनन्या ने डेब्यू किया था, जानवी ने डेब्यू किया था, हमेशा ऑडियंस आप तीनों को कंपेयर करती है, जिसमें सबसे आगे आप नजर आती हैं. कहीं ना कहीं इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर भी बढ़ जाती है कि हमें किस तरह का आप देखती हैं किस तरह इस बातों को? देखिए, मुझे लगता है दैट ऑल थ्री ऑफ अस आर वेरी यंग गर्ल्स, एंड यू नो इट्स आई अंडरस्टैंड व्हाई इट हैपेंस, मैं समझती हूँ क्यों होता है, लेकिन किसी भी इंसान को एक इंसान से कंपेयर करना, इट जस्ट डजंट मेक सेंस. आई थिंक हम तीनों बहुत अलग भी हैं as people, as actors in general. So I don't see the point in comparing or anything like that. I mean, and they're both my contemporaries, they're both friends of mine, and I wish them the best, and I hope they are wishing me the best right now as well. So sure. Hi Dinesh, yahan pe aapse ek sawal tha ki Love Aajkal ko pure 10 saal ho gaye hain, aur ab ye jo journey hai, jo safar hai, wo Love Aajkal 2 ke sath chal raha hai. As a producer, aap kya kehna chahenge, aur kis tarah ki memories aap dono share karte hain? तो एक बार मैं और इम्तियाज सैन फ्रांसिस्को में बैठे हुए थे और शूट का ऑफ था, और ये पिक्चर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी तभी. तो इम्तियाज आप बताओ, मैंने आपको क्या बोला था? पहली फिल्म एज अ प्रोड्यूसर दिनेश विजन बना रहे थे सैन फ्रांसिस्को में, एक ब्रेक डे था, तो हम लोग कॉफ़ी पी रहे थे कहीं पर बैठ करके, बहुत वेल डिजर्व ब्रेक था, और हम लोग बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे कहीं पर स्क्वायर में, अच्छा माहौल था,
कॉफी पीते पीते दीनू की आंखों में आंसू आ गया, वो आंसुओं से रोने लगा ऐसे. मुझे लगा कि क्या हो गया यार, तू क्या हो गया. बोलता है कि अगर ये फिल्म नहीं चली ना सर, तो आप जहां भी होगे इस दुनिया में और सैफ जहां भी छुपे मुझसे इस दुनिया में, आई विल लुक फॉर यू, आई विल फाइंड यू एंड आई विल बीट यू अप. क्योंकि आप लोगों ने जिद करके ये फिल्म बनाई. ये सेम चीज में अभी तुम दोनों को बोल रहा हूं. अब मेरा सवाल कार्तिक, अब मैं पूछूं? जी सर. हाँ जी सर, सॉरी. कहाँ पे? देखिए इधर देखिए, नहीं देखेंगे तो भी चलेगा. आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आ जाइए. आवाज तो सर, आवाज और एक टकला नजर आ रहा होगा. सुनिए सर, क्या टक टक? ठीक है, चालू करें. मेरा सवाल आप दोनों से है, क्योंकि लव आजकल इतनी कामयाब फिल्म रही है, अमिताभ साहब को किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, मोहब्बत को शायद वो बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं जी. क्या आप दोनों को, आप दोनों का यकीनन कंपैरिजन होगा, क्योंकि वो इतनी बड़ी इतनी कामयाब फिल्म रही है, आपका सैफ साहब से होगा और आपका दीपिका से होगा, व्हाट डू यू टू से अबाउट दैट, यू नो देयर विल बी अ कंपैरिजन व्हेन एवर द फिल्म गेट रिलीज. दीपिका, अभी किसी और कंपैरिजन की बात हो रही थी, तो आई थिंक कंपैरिजन इज समथिंग कि चलता रहता है और शायद चलता रहेगा, बट आई डोंट थिंक कि ये लव आजकल 2 है, ये हम सीक्वल नहीं बना रहे हैं. ये फिल्म प्यार आज जो है उसे दर्शाने की कोशिश कर रहा है, और इम्तियाज सर ने मेरे हिसाब से और दीपिका ने और मेरे फादर ने और दीनू ने 11 साल पहले बहुत ही अच्छे से दर्शाया था कि लव तब क्या था. अब आज हम लोगों ने वही कोशिश की है, तो शायद कंपैरिजन होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम एक सीक्वल बना रहे हैं, ना मुझे लगता है कि कार्तिक ने मेरे फादर का किरदार निभाने की कोशिश की है, या मैंने दीपिका का किरदार निभाने की कोशिश की, क्या का किरदार निभाने की कोशिश की है. नहीं, ऐसा नहीं है. आई थिंक दैट वी आर ऑल इंडिविजुअली टेलिंग अ न्यू स्टोरी दैट इज विद डिफरेंट कैरेक्टर्स. हमारे कैरेक्टर्स अलग हैं, हमारी कहानी अलग है, प्यार आज हम सब के हिसाब से अलग है. सो आई थिंक वी ऑल कम टुगेदर टू शोकेस दैट, बट आई मीन लिटिल बिट ऑफ कंपैरिजंस दैट आर नॉट रियली नेसेसरी विल आई गेस कंटिन्यू बिकॉज़ दैट्स व्हाट थ्राइव्स हियर. सो कार्तिक आप बोलेंगे कंपैरिजन? जी सर, मैं तो कौन सा गाना है वासते वो बज रहा है. हां मैं गाऊंगी नहीं. नहीं जी सर, जैसा सारा ने बोला कि ये कम्प्लीटली नई फिल्म है, और ये उन कैरेक्टर्स को लेके कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे थे. लव आज और कल का जो टाइम फ्रेम भी है, इसका 1990 या 2020 का कंपैरिजन ज़्यादा होगा कि रैदर देन एक्टर्स का कंपैरिजन. मेरे को ऐसा लगता, आपने ट्रेलर में देखा होगा, कम्प्लीटली डिफरेंट साइड है, कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, और जिस तरीके से दर्शाया गया, आई डोंट थिंक सो इसका कुछ एक थीमेटिकली एक चीज़ हो सकती है कि वो आज और कल, जो कि लव आजकल हमेशा रहेगी सर, कल को एक और लव आजकल जब हमारे साथ फिर से बनाएंगे तो उसमें वापस से ऐसे कर पाएंगे 2030 2000, तो वो चीज़ हो पाएगी. लेकिन वैसा कंपैरिजन रॉन्ग है. आई थिंक वी कैन नेवर रेप्लिकेट व्हाट दे हैड डन इन लव आजकल, एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट फिल्म, तो वो कंपैरिजन तो ना ही हो. तो अच्छा,